और अरमान के आने के बाद मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। तो पायल मलिक ने जो है रिसेंटली ब्लॉग अपलोड किया, ब्लॉग के अंदर जो है पायल मलिक बोलते हुए नजर आई कि गोलू और अरमान के आने के बाद जो है मैं अरमान मलिक से जो है अलग हो जाऊंगी। इनडायरेक्टली जो है पायल मलिक बोलते हुए नजर आई कि बिग बॉस से जब अरमान मलिक बाहर आ जाएंगे तो जब मैं जो है उनसे डिवोर्स ले लूंगी, क्योंकि जो है जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ वैसी प्रॉब्लम जो है मेरे बच्चों को ना हो, और जो है लोग बाहर क्या बोलते हैं वो सिर्फ मुझे पता है, अभी जो है अरमान को नहीं पता है, ऐसा कुछ जो है पायल मलिक ने बोला। पहले मैं आपको वीडियो की क्लिप बता देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे। जो कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ हो रही है ना वो बच्चों के साथ भी मैं नहीं सहन कर सकती यार, बहुत सहन कर ले समय में बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किस तरह कैसे लोग बच्चों के साथ बिहेव करेंगे। तो ये जैसा कि छोटी सी क्लिप आप सबने देख ली, जिसके अंदर जो है पायल मलिक बोलती हुई नजर आई कि जो सब मैंने सहन कर लिया वो जो है मेरे बच्चों को सहन ना करना पड़े, इसीलिए जो है मैं अरमान के और गोलू के जो है बाहर आने के बाद मैं उनसे डिवोर्स ले लूंगी, ऐसा कुछ जो है पायल मलिक ने बोला। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि लोग जो है बाहर क्या बोल रहे हैं वो सिर्फ मुझे पता है, और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि जो है मेरे बच्चे वही प्रॉब्लम फेस करे। आपको क्या लगता है, अरमान मलिक और जो है पायल मलिक का डिवोर्स होता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।